नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है SSPN फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 9.20 रुपीज़ पे। ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 34.31%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 2.22%, 1 ईयर रिटर्न दिया है -68.74%, ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 27.78%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है -3.06%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 20.26%, 5 डेज में रिटर्न दिया है -1.30%, और 1 डे में यहाँ पे जानकारी नहीं है। दोस्तों, हमारे स्क्रीन वेबसाइट पे यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे SSPN फाइनेंस लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 3.48 करोड़ की है, मार्केट कैप लेस देन 100 करोड़। एक पेनी स्टॉक है जो करंट प्राइस है 9.20 रुपीज़ की है। इसका जो 52 वीक हाई है 32.2 रुपीज़ का, 52 वीक जीरो है 7.01 रुपीज़ का। अपने 52 वीक लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की जो पी है 58 की है, जो बुक वैल्यू 11.4 की है, अपनी बुक वैल्यू से सस्ता ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड जीरो की है, ROC 1.86% की है, इसकी जो ROE है 1.40% की है, इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है SSPN फाइनेंस लिमिटेड का, क्रॉस चेक करते हैं। कंपनी डेट फ्री है, लगभग मजबूत कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.81 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 0.81 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉन्स चेक करते हैं। टू द कंपनी रिपोर्टिंग लिमिटेड प्रॉफिट्स इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, डिविडेंड प्रदान नहीं कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -4.02%। पिछले क्वार्टर में कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो गई है -4.02% से। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -2.50% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -2.50% की। प्रमोटर होल्डिंग जीरो 24.24%। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है 24.24% की है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 2.07% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो रहा है, 2.07% करा है। कंपनी हैज हाई डिबेटर्स ऑफ 463.65 डेज। कंपनी का जो डिबेटर्स है वो हाई है, 463.65 डेज का है। फिर कंपनी से चेक करते हैं। कंपनी जो काम करती है फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, इसकी जो इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स की है। सेक्टर जो नंबर 1 कंपनी है बजाज फिनेंस, देन बजाज फिनसर्व, उसके बाद SBI कार्ड, देन मुथूट फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, देन चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, नंबर 7 पे HDFC AMC और 8 पे है SSPN फाइनेंस है। हम सपोर्ट रेंज चेक करते हैं। जून 2015 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी -0.05 करोड़ की थी, और सितंबर 2017 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 0.01 करोड़ की। कंपनी की नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2013 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0.01 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 0.06 करोड़। कंपनी की नेट प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ी हुई है। कबाडो सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स -3%, 3 ईयर्स -8%। कबाडो प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स -8%, 3 ईयर्स -21%। स्टॉक प्राइस CAGR 5 ईयर्स में 0%, 1 ईयर -69%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स में 2%, 3 ईयर्स में 2%, लास्ट ईयर में 1%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2013 में इसकी जो टोटल एसेट्स थी 1.18 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 5.09 करोड़ की है। कभी टोटल एसेट्स है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2013 में जो नेट कैश फ्लो था 1.01 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो है 0.18 करोड़ का है। कंपनी नेट कैश फ्लो है उसमें कमी आई है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2013 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल थी 0 की थी, और मार्च 2021 में जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है 463.65 की है। कैश कन्वर्जन साइकिल्स यहाँ पर बढ़ी हुई है।
मार्च 2013 में जो इसकी आर ओ सी उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं है, और मार्च 2021 में जो इसकी आर ओ सी है 1.86% की है आर ओ सी। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, सितंबर 2016 में प्रमोटर्स के पास 55.51% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर्स के पास 24.24% शेयर्स हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कमी आई है, सितंबर 2016 में डीआई के पास 0% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 डीआई के पास 0% शेयर्स हैं। डीआई की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। सितंबर 2016 में पब्लिक के पास 44.49% शेयर्स थे, सितंबर 2021 पब्लिक के पास 25.36% शेयर्स हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बड़ी हुई है। दोस्तों हमने रिटर्न एनालिसिस किया SSPN फाइनेंस लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।